राजनांदगांव थाना के अंतर्गत ग्राम ढावर के पास सोहराया गांव में यात्री बस पलटी, जिसमें दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। गिराज बस सर्विस की यह बस बताई जा रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ड्राइवर काफी तेज गति में बस को चला रहा था और साथ ही एक हाथ से अपने मोबाइल का उपयोग भी कर रहा था। यह बस गुना से बमोरी की तरफ जा रही थी। वहीं सोहराया के पास मोबाइल चलाने के फेर में बस पलट गई। इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा यात्री गंभीर हुए हैं। वहीं ज्यादा गंभीर यात्रियों को जिला चिकित्सालय लाया गया है। घाटा केड़ी से कैसे हुआ ये? ये साहब, मैंने उससे एक बार बोली आगे माँ से बैग गई थी, एक बार मैंने कहा 100 रुपये का बहन चोट कैसा चला रहे हो? माँ सर इतनी दूर आई और मैं गुड़िया हाथ में ले रखी थी, इस गुड़िया की जरूर भूख लग गई इस काम में। करीब कितनी सवारी थी बस में? बस में तो साहब उसमें 150-200 कम नहीं थी। तो ये ड्राइवर की लापरवाही मानी? ड्राइवर की लापरवाही है, कंडक्टर घुसाता जा रहा है जबरदस्त। सर फोन से बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था? ड्राइवर बात कर रहा था। एक घंटा हुआ उनको बात कर रहा था, एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। तो आप लोग किधर से आ रहे थे? तो करीब कितने लोग बैठे थे बस में? 20 लोग में, हम कुछ 20 थे और 20 तो अपने परिवार। अच्छा, मतलब 20 परिवार था। आप लोगों के परिवार? तो आप लोगों के परिवार को किसी को गंभीर चोट वगैरह लगी? दो के लगी है। वो कहाँ अभी? अच्छा, कहाँ गए वो? यहाँ से आ रहे थे, एक बस में से सवारी निकाल रहे थे। निकालते हुए किया, एक सवारी बिचारी बिल्कुल गंभीर हालत से पड़ी हुई थी। इनको मतलब बस से निकलाया, निकलने के बाद में कोई इंतजाम, काफी देर से पड़ी है, कोई इंतजाम भी नहीं हुआ सर। तो करीब आपको जानकारी है कितने लोगों को चोट लगी है? चोट क्या है कि 15-20 लोगों को तो गुना रिपर कर दिया। अभी कुछ एम्बुलेंस है और कुछ अपने निजी साधन से भी गए, कॉलोनी वाले निजी साधन से गए। और ये लोगों को अभी तक भी कोई पुलिस ने कार्रवाई भी नहीं करी। आन के इनकी कोई बात भी नहीं सुन रहे और आन के इनसे कह रहे हैं यहाँ क्यों बैठे जाओ। अब उनका निजी साधन आएगा जब ही तो जाएंगे। ये लोगों की यह है कि उनको बमोरी छोड़ने की बात थी कि बमोरी थोड़ा इलाज करवाते हुए उनके घर निकल जाएगी। तो पुलिस वालों का कहना है कि तुम सब गुना चलो, तो गुना नहीं गए।